हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर चैनल। तो एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि रेलवे की तरफ से आपको 75,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी होगी वो ALP और टेक्नीशियन वाली वैकेंसी ही होने वाली है। उसके साथ RPF JEE की जो वैकेंसी है वो भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अभी जिस तरह से घोषणा हुई है 75,000 पदों की, तो इसके बाद अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रेलवे मिनिस्टर यहाँ पर बोला गया है, अभी रेल मिनिस्टर भी आएंगे और मुखातिब होंगे किससे, यहाँ पर मीडिया के साथ, और अभी रेल का बजट विस्तार में बताएंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे बस यही बात हुई है आप लोगों के सामने, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि रेलवे में 2.5, आप पिछली बार जो है शायद 74,000 करोड़ रुपए एलोकेट हुए थे और इस बार जो है 2.4 लाख करोड़, जो बहुत ज़्यादा है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है रेलवे के लिए। और रेलवे में 75,000 वैकेंसीज़ की यहाँ पे बात की गई है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो रेलवे में 75,000 वैकेंसीज़ की बात हुई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आप लोगों को देखने को मिल रही है रोज़गार की दृष्टि से। इसके अलावा 33,000 शिक्षकों की बात हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ये खबर निकल के आ रही है जिसका बहुत दिन से इंतजार था और उम्मीद ही थी कि शायद बजट में कुछ देखने को मिल जाएगा, तो शाम तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और रेल मिनिस्टर खुद से बताएंगे इस बात के बारे में कि ये जो वैकेंसीज है वो किस किस डिपार्टमेंट में होने वाली हैं। तो शाम 4 बजे का वेट करते हैं किस तरह की क्या चीज़ें हैं। फिलहाल ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर थी, इसलिए आपको दे दी गई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। आपको क्या लगता है कि ये 75,000 में वैकेंसीज किस किस की वैकेंसीज हैं? इसमें ग्रुप डी की वैकेंसीज तो नहीं लग रही हैं जो अभी ग्रुप सी हो चुका है, लेकिन आप लोगों को ALP टेक्नीशियन, RPF और JEE। ALP टेक्नीशियन तो 100% कंफर्म है कि उसकी वैकेंसी आप लोगों के सामने है, इसलिए अपनी कमर कस लीजिए और बहुत अच्छे से आप तैयारी करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।